नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ जो कि यूपी के गाजियाबाद से मिल रही है। यहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, यहां आपको इसकी एक वानगी दिखाते हैं। बीती रात चौनिका थाने क्षेत्र में स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने शादी कर लौट रही दुल्हन की कार को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने पहले कार के शीशे पर फायर किया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। उसके बाद बदमाशों ने दुल्हन को निशाने पर लिया, लेकिन फायरिंग में गोली ड्राइवर को लग गई। इसके बाद बदमाशों ने दुल्हन से लाखों के जेवरात लूट लिए, फरार हो गए। इसके बाद आनंद फानन में ड्राइवर देवी सिंह को जीटीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के हर्ष विहार के रहने वाले अंकित की बारात बागपत के बड़ौत गई थी। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन, उसकी बहन और पिता एक ही कार से लौट रहे थे। उनकी कार का स्विफ्ट कार बागपत से ही पीछा कर रही थी। अचानक स्टेट हाईवे पर पंचलोक के पास बदमाशों ने ड्राइवर को गोली मारी और लूटपाट कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया सूचना मिली कि एक जगह गोली मार दिए हैं, एक बारात से दूल्हा दुल्हन, उसके पिता और ड्राइवर भी था उसमें। सूचना मिली कि बागपत से जा रहे थे लोग हर्ष विहार दिल्ली, उसको गोली मार दिया। हम लोग मौके पर गए तो तात्कालिक रूप से पहले जो मजरूफ था उसको अस्पताल भेजा गया, और जो दूल्हा दुल्हन थे इनको जो है पुलिस के साथ इनके घर भिजवा दिया गया है। ड्राइवर जो मजरूफ था देवी सिंह, उसकी जीटीबी हॉस्पिटल में ले जाते समय मृत हो गई है। अभी इसकी पूरी डिटेल जाँच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दुल्हन से बात हुई थी तो उसने बताया था कि मुझको किसी ने नहीं छेड़ा था, मेरा कोई सामान नहीं गया है। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, कहां तक पहुंची पुलिस की जांच, क्या कुछ कह रही है पुलिस इस मसले पर? देखिए, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी घटना बेहद ही चौंकाने वाली है कि किस तरह से जब ये बारात लेकर बड़ौर से जब बारात वापस जब लौट रही थी, तब से ये बदमाश सवार बदमाश उसका पीछा कर रहे थे, और जैसे उनको ट्रॉनिका सिटी के पास स्पेस दिखाई दिया उन्होंने तुरंत टारगेट बनाया, उसके बाद दुल्हन को लूट लिया गया। तफ्तीश जारी है, हालांकि पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं जो हमलावर थे इनके जानकार या जानने वाले तो नहीं, इस एंगल से भी जांच किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ब्रजेश जिस तरह से ये पहले से घात लगाए बैठे थे, उससे ये पता चलता है कि किस तरह से इनको पहले से इस बाबत जानकारी थी और पूरे प्लानिंग के साथ ये आए थे। शुक्रिया फिलहाल इससे तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी है। ये वही स्विफ्ट कार आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये कार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के हर्ष विहार में अंकित गुप्ता रहता था, जिसकी बारात जो है वो बागपत गई थी, और वहां से जब ये लौट रहे थे तब उसके बाद इस कार में दुल्हा दुल्हन सवार थे और साथ ही साथ दूल्हे के पिता और उसकी बहन सवार थे, लेकिन इस बीच पहले से ही घात लगाए बैठे जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दुल्हन को निशाना बनाया गया, लेकिन वो गोली दुल्हन पर ना लगकर ड्राइवर देवी सिंह पर लग गई, जिससे कि उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है।